अस्सलामुअलैकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो आज हम इंशाल्लाह 4.4 एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तमाम बच्चे अपनी बुक्स को ओपन करें और इसकी स्टेटमेंट देख लें। पहले की स्टेटमेंट है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज मीन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नीचे जो भी वैल्यू होगी उसका साइन तब्दील करके उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड करेंगे, इसको रैशनलाइज कहते हैं। तो यहाँ तो जस्ट एक ही वैल्यू, यहाँ साइन तब्दील करने की ज़रूरत भी नहीं है, जस्ट आप स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 3, इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, 3 सिर्फ स्क्वायर रूट 3 से रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि नीचे स्क्वायर रूट 3 को हमने रिमूव करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर, ये तो साइन तो है ही नहीं ना, है ही नहीं साइन, है ही नहीं इधर साइन, है ही नहीं, चेंज कहाँ से होगा, ये 3 से कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 4। सेकंड जी कि क्या हो गया, हाँ जी ये याद, नाइन्टी एट से मल्टीप्लाई डिवाइड 14, 98 और ये 98, 98 के फैक्टर कितने होंगे बच्चों, 40 और ये कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 7 का स्केयर और नीचे 2 मल्टीप्लाई, इसको ऐसे ही रहने दे 98, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 14 कितने टाइम होता है, 98 को 14 से डिवाइड करें, 14 7 टाइम, ऊपर आ जाएगा 7 और स्क्वायर रूट 2 और ये 7 से कैंसिल आंसर। थ्री बच्चों आप खुद सॉल्व कीजिएगा, इसके बाद 5 है, थर्टी वन, ये है रैशनलाइज जिसका आप पूछ रहे थे कि साइन चेंज होगा, इसमें साइन चेंज होगा, ये प्लस 4, तो इसमें क्या आ जाएगी वैल्यू, ऊपर 15 स्क्वायर रूट 31 प्लस 4, नीचे आ जाएगी 31 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये 31 16, क्या आंसर आएगा, अच्छा क्या आ जाएगा, 31 माइनस 16 15, बाकी जो पार्ट है बच्चों कौन कौन सा छोड़ा, मैंने थर्ड पार्ट 4 6 7, ये आपने खुद करना, डू योर सेल्फ। सेकेंड इसका क्वेश्चन है कॉन्जुगेट लेना है, ये बिल्कुल सिंपल है बच्चों, कॉन्जुगेट पहले का कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 माइनस स्क्वायर रूट 7, कॉन्जुगेट में किसका साइन तब्दील होगा, सिर्फ सर्ड्स का, जो सर्ड्स है यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसका सिर्फ साइन चेंज, इसमें और कौन सा करें, ये सिंपल ही है सारे, पहले के बच्चों एक कोई देख लें, कोई देख लें जो मुश्किल हो, पहले का आप 8 पार्ट देख लें, 8 पार्ट देख लें, स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो ये साइन तब्दील करेंगे, ये माइनस है, रैशनलाइज करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, प्लस 3, ऊपर देखें बेस बच्चों इक्वल है, हम इसको लिख लेंगे
होल का स्क्वायर क्या लिखेंगे? ऊपर होल का स्क्वायर क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ सेम वैल्यू है, तो हम इसको होल स्क्वायर, इसकी भी पावर वन है, इसकी पावर तो बेस बराबर हो, पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, नीचे सेम नहीं है, नीचे अलग अलग सेम है, ये ऊपर फार्मूला ओपन करेंगे, पहले का स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस टू फाइव अंडर रूट थ्री, ये फाइव माइनस थ्री, तो ये आएगा फाइव प्लस थ्री प्लस टू फिफ्टीन टू, और ये आ जाएगा एट प्लस टू फिफ्टीन टू, इसमें कॉमन ले लें फोर फिफ्टीन और टू, यहाँ से ये फोर ये कैंसिल, बाद बच्चे कर लेते हैं टू फोर टाइम, ये कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये टू इसके साथ भी है, टू दोनों के साथ है, इसलिए यहाँ आप टू को एट के साथ कैंसिल नहीं कर सकते, पहले क्या लेंगे इसमें से ऊपर वाले में से कॉमन, फिर उसके बाद हम कैंसिल, यही तो बता रहा था, यही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, दोनों के साथ है ना, इधर नहीं कर सकते, ठीक है। स्केयर रूट, स्केयर कहाँ से आ गए, सोए तो नहीं हुए बच्चे, जाग रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर थ्री, फर्स्ट पार्ट इसका एक्स की वैल्यू है टू माइनस स्केयर रूट थ्री, और फाइंड क्या करना है वन ओवर एक्स, तो इसका वन ओवर एक्स कैसे हम कर सकते हैं, रेसिप्रोकल यानी इनवर्स लेंगे, उल्ट करेंगे इसका, टू प्लस के थ्री, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, टू का स्क्वायर ये किसकी वैल्यू होगी वन ओवर एक्स, नीचे से आपने जो ना स्क्वायर रूट को रिमूव करना था उसके लिए आपने इसको मल्टीप्लाई किया। सेकंड पार्ट इसका, इसको भी वन ओवर एक्स लिखना है, साइन तब्दील करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, फोर स्क्वायर रूट सेवनटीन, फोर का स्क्वायर सेवनटीन स्क्वायर रूट का स्क्वायर सिक्सटीन, नीचे माइनस आएगा, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, और साइन चेंज हो जाएगा ऊपर वाली की वैल्यू, ये आंसर आ जाएगा वन एक्स। एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट थ्री प्लस टू, तो इसमें फाइंड क्या करना है, एक्स प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड, सबसे पहले हम अब देखें एक्स प्लस वन ओवर एक्स फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, वन ओवर एक्स, एक्स की तो वैल्यू है हमारे पास, वन ओवर एक्स नहीं है, तब हम ये रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, तो वन ओवर एक्स फाइंड करने के लिए हम रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये हो जाएगी स्क्वायर रूट थ्री माइनस टू, क्या आ जाएगा नीचे स्क्वायर रूट, माइनस वन ऊपर चला जाएगा, ये माइनस स्क्वायर रूट थ्री, तो आप मालूम क्या करेंगे, एक्स प्लस वन और एक्स, इन दोनों को ऐड करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट थ्री प्लस टू, वन और एक्स की क्या है माइनस स्क्वायर रूट थ्री प्लस, इस आप बच्चे इसमें हम रैशनलाइज, इसको अलग रैशनलाइज और इसको अलग रैशनलाइज करेंगे, दोनों को हम अलग रैशनलाइज करेंगे, पहली वैल्यू को आप रैशनलाइज कर रहे हैं वन प्लस टू, फाइव
ठीक है बच्चों, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। इससे रैशनलाइज किया मल्टीप्लाई डिवाइड, और इससे मल्टीप्लाई साइन तब्दील करके मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, वन को वन स्क्वायर रूट फाइव से दें फाइव, फिर वन को इससे माइनस के अंडर रूट थ्री ना जी टेन, ये क्या आ जाएगा क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो हम मल्टीप्लाई जब करते हैं दोनों वैल्यू को अंदर लिख सकते हैं, टू को फाइव से फिर स्क्वायर रूट इसको अंडर रूट सिक्स, ये जो का स्क्वायर माइनस इसका भी लिख लें फाइव का स्क्वायर माइनस अंडर रूट वन को स्क्वायर रूट फाइव से मल्टीप्लाई फाइव, फिर वन ये माइनस टेन और ये प्लस माइनस माइनस सिक्स, थ्री और टू से प्लस सिक्स हो गए, ये फाइव थ्री, इसमें आप वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट फाइव माइनस स्क्वायर रूट थ्री टेन माइनस स्क्वायर रूट सिक्स फाइव माइनस थ्री। नहीं नहीं ऐसा नहीं, प्लस माइनस ना मल्टीप्लाई हो तो फिर होता है। टू एल सी एम स्क्वायर रूट फाइव टू टाइम है और माइनस स्क्वायर सिक्स ये भी टू टाइम, टू कॉमन स्क्वायर रूट फाइव स्क्वायर रूट सिक्स आंसर स्क्वायर रूट फाइव स्क्वायर रूट सिक्स। थ्री बच्चों आप फिर खुद सॉल्व कीजिएगा, थ्री करना है ये कर लो, थ्री भी फोर का थ्री ये मैंने कौन सा किया था, कर लें बेटा एक कर लें, सेकंड आप खुद कर लीजिएगा, थर्ड कर देता हूँ। वैल्यू देखें ठीक है जो, ठीक है वैल्यू, अब सबको हम क्या करेंगे रैशनलाइज, देखें सारी वैल्यू ठीक है, ठीक है बच्चों ये अब मल्टीप्लाई करें ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से, नीचे वाली वैल्यू नीचे से, स्क्वायर रूट थ्री है
माइनस थ्री थ्री टू टू से कैंसिल, बाहर माइनस है अंदर वाला साइन, जीरो आंसर है इसका बच्चों, वन नहीं है, वन तो नहीं होगा, सारे कैंसिल हो गए। फाइव का फर्स्ट पार्ट है, एक्स की वैल्यू टू प्लस स्क्वायर रूट थ्री, फाइंड क्या करना है हमने, एक्स माइनस और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है दूसरी सेकंड पे, होल स्क्वायर फाइंड कर। तो अब हम सबसे पहले वन ओवर एक्स फाइंड करेंगे, इसका रेसिप्रोकल टू का स्क्वायर माइनस ये फोर थ्री, आगे क्या आंसर आ जाएगा इसका, फोर में से थ्री निकाले वन, तो ये आ जाएगा टू माइनस के ओवर थ्री, ये किसकी वैल्यू, वन ओवर एक्स की। अब हम निकालेंगे एक्स में से माइनस करेंगे वन ओवर एक्स, एक्स की वैल्यू टू प्लस स्क्वायर रूट थ्री माइनस, तो ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस टू, तो माइनस है प्लस स्क्वायर रूट थ्री, इससे कैंसिल, और ये ऐड हो जाएगी वैल्यू टू अंडर रूट थ्री। एक आंसर इसका ये होगा बच्चों, सेकंड कैसे होगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये आंसर कैसे निकालेंगे, स्क्वेयर लेंगे, इसका स्क्वेयर ओपन नहीं करना हमने, ये टू का स्क्वेयर क्या होगा फोर, और ये स्क्वेयर रूट स्क्वेयर ऐसे करना है, यानी टू का स्क्वेयर भी है और स्क्वेयर रूट थ्री का भी स्क्वेयर है, तो ये आ जाएगा फोर थ्री, तो सेकंड आंसर क्या आ जाएगा ट्वेल्व, जी ये कर देते हैं। थर्ड इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वेयर रूट फाइव माइनस स्क्वेयर रूट टू स्क्वेयर रूट फाइव प्लस स्क्वेयर रूट टू, फाइंड बच्चों क्या करेंगे इसमें, x प्लस वन ओवर x, एक तो ये वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरी एक्स स्क्वेयर वन ओवर एक्स स्क्वेयर, दूसरी ये, और तीसरी ये वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए इसमें तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी, सबसे पहले हम इसका क्या करें, वन ओवर x बनाएंगे, मल्टीप्लाई करें, रैशनलाइज क्या आ जाएगा, स्केयर रूट फाइव माइनस स्केयर रूट टू, स्केयर रूट फाइव माइनस स्केयर रूट टू, मल्टीप्लाई ऊपर वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू से स्केयर रूट फाइव को स्केयर रूट फाइव, ये टोटल स्केयर लिख लें बच्चों, इसकी नीचे स्केयर रूट फाइव का स्क्वेयर माइनस स्केयर रूट टू का स्क्वेयर, तो ऊपर फार्मूला ओपन करें क्या आएगा, स्केयर रूट फाइव का स्क्वेयर प्लस स्क्वेयर रूट टू का स्क्वेयर माइनस टू अंडर रूट फाइव को टू से दें तो टेन, यानी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फाइव को टू से दिया टेन आ जाएगा, ये आ गया फाइव माइनस टू, फाइव प्लस टू माइनस टू थ्री, सेवन माइनस टू
अब देखिए हम सबसे पहला हमारे पास क्या x प्लस वन ओवर ये फाइंड करेंगे ना, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ये वाली है, फाइव माइनस स्क्वायर रूट टू हमने बच्चों इसको रिवर्स किया था, इसका इनवर्स लिया था वन ओवर एक्स किया, तो अभी हमारे पास ये एक्स ही है। ठीक है बेटा, ये क्या वैल्यू है, ये एक्स ही वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो बच्चों मैं ये रेसिप्रोकल कहा था, ये रेसिप्रोकल अभी नहीं लिया क्योंकि आप जानते हैं हम इसको रैशनलाइज करेंगे पहले, तो अब एक्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे ना। आप जानते हैं जब भी नीचे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपने 4.4 का किया था, ये मैंने रेसिप्रोकल कह दिया, तो रेसिप्रोकल नहीं है ये, क्या आपने करना है जस्ट नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, ये वन ओवर एक्स इसका निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3/7, ये वन ओवर हो जाएगी। ठीक है वैल्यू, अब इसको हम क्या करेंगे, 7 प्लस 2 फिर आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2, क्या आ जाएगी वैल्यू बच्चों ऊपर, आप ऊपर 3 7 प्लस 2, नीचे 49, 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर रूट से कैंसिल 10 आएगा, 4 × 40 आ जाएगी वैल्यू। तो 1/x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 प्लस 2। अब हम क्या मालूम करेंगे, x प्लस 1/x, x की वैल्यू ये वैल्यू 7 − 2 √10 3 प्लस और 1/7 के LCM 3, 7 − 2/10 7 + 2/2√10 हाँ, ये इससे कैंसिल 7 × 14 ये 3, ये फर्स्ट आंसर होगा इसका, ये x प्लस 1/x है। सेकंड कैसे फाइंड होगा, इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, फार्मूला अब लगेगा, स्क्वायर 1/x फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, 4 का स्क्वायर 196, देखिए 196 आता है और ये 9, एक्स एक्स से कैंसिल, सोचो अभी स्क्वायर इधर जाकर क्या हो जाएगी वैल्यू, 196 9 माइनस एलसीएम ले लें 9 माइनस 18 170, देखिए आंसर बच्चों ठीक है। अब इसका क्या लेना है, क्यूब, अब फर्स्ट का क्या लेना है, दोबारा बच्चों हमने कौन सा आंसर निकालना है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ फाइंड करना है, तो हमने x प्लस 1/6 जो फर्स्ट आंसर था उसका क्यूब लेंगे, क्यूबिंग ऑफ इक्वेशन 1 रिलेशन 1, इसका आ गया क्यूब, फर्स्ट का क्यूब प्लस 3 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, और जो क्यूब के अंदर है, टेकिंग क्यूब हमने लिया ना बोथ साइड, क्यूब रूट नहीं लिया, क्या लिया, क्यूब लिया है, तो अब हमारे पास ये वैल्यू x प्लस 1/x और 14 का क्यूब 44 और 3 का क्यूब 27, ये x x से कैंसिल और x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 14 3, ये 3 3 से कैंसिल
ये वैल्यू प्लस 14 इधर, अगर माइनस इसकी सिंप्लीफिकेशन करें ये कितना आ जाए, ये है 14, कितना आता है 370, माइनस करें ऊपर वाली वैल्यू, टू थ्री, ये इसका बच्चों थर्ड आंसर है। जो लास्ट इसका जो क्वेश्चन 6 है, बहुत अहम क्वेश्चन है, ये अहम क्वेश्चन है। इसमें हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। आप स्टेटमेंट को देखें, पढ़ें, स्टेटमेंट में लिखा है कि आप अननोन जो नंबर्स हैं ए बी, इनकी वैल्यू फाइंड करें। तो इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है जी, इसको हम रैशनलाइज करेंगे दोनों को। ये एज इट इसी तरह लिखे, सिंप्लीफिकेशन ऊपर वाले की वैल्यू होल का स्क्वायर होल का स्क्वायर ऊपर का स्क्वायर का, ओपन करें फार्मूला, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस टू, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ये 3 माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 1, ये 3 माइनस 1 और a प्लस बी स्क्वायर रूट 3 टू, ये आएगा 3 प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 और माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 टू, तो ये आ जाएगा प्लस 4 प्लस 2 3 ए प्लस बी स्क्वायर रूट 3, तो वैल्यू आ जाएगी ऊपर 2 कॉमन, माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ए प्लस बी स्क्वायर रूट 3, ये आ जाएगा 4 ए प्लस बी। बच्चों आप देखें, हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 4 है, यानी 4 आंसर ए आ गया। अब हमारे पास स्क्वायर रूट शॉर्ट्स में नहीं है वैल्यू, तो हम इसको 4 को ऐसे लिख सकते हैं, 4 प्लस 0 स्क्वायर रूट 3, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। फोर में ज़ीरो देखें, इसे मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो ही होता है। ये शॉर्ट्स हमने 3 क्यों लिखा है, क्योंकि बी का आंसर निकालने के लिए। बी के साथ क्या था, जब हम कंपेयरिंग करेंगे ना, अब हम क्या करेंगे कंपेयरिंग, तो कंपेयरिंग तब होती है जब, अब ये स्केयर रूट 3 है तो ये भी स्केयर रूट 3 हो, तब ये कंपेयर बी के साथ ये हो सकता है। अगर इधर स्केयर रूट 3 है इधर स्केयर रूट 4 है तो फिर कंपेयरिंग नहीं, शर्ट एक जैसे होने चाहिए, ये शर्ट एक जैसे हों। तो अब ए का आंसर क्या आ जाएगा 4 और बी का आंसर क्या होगा 0, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।